हूँ मैं अपने फील्ड से रिलेटेड बात करूँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो सरकार को समझनी चाहिए। कोरोना के बाद से व्यापार बहुत कठिन हुआ और ये कठिनाई आम जनमानस तक कारोबारियों तक जो कि हाईएस्ट टैक्स पेयर होते हैं सरकार के लिए उन सब के लिए बहुत ही बड़ी समस्या ले गया है। डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, टैक्स के स्लैब्स बेतहाशा बढ़ रहे हैं और सरकार की नीतियां भी उसके अनुरूप नहीं है। मेरा ये सुझाव होगा सरकार को कि कम से कम कारोबारी जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं देश के हित के लिए समाज के हित के लिए हमारी बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए, हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सरकार को या सरकार में जो बैठे लोग हैं जो पॉलिसीज क्रिएट करते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि कारोबार को कैसे सुगम बनाया जा सके।
मैं राजेश कुमार दुबे सेंट एंथोनी कॉलेज में और पत्रिका का स्वागत करता हूँ अपने जिले में। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस जिले में जो भी समस्या, जैसा कि अभी पहले बता चुके राजेश जी कि अतिक्रमण है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो कि पूरी नहीं हो पा रही हैं, उस पर सही गौर नहीं किया जा रहा है, उसको जो है गौर करें। और हमारे यहाँ इतने दिन से हवाई अड्डा है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उसका जीर्णोद्धार हो और कुछ उसके आगे के लिए कुछ नया हो। और इस तरह से बहुत सी समस्याएं हैं, सड़कें हैं वो भी अतिक्रमण और उससे जीर्ण वो भी बने, सिल्वर लाइन है, अनेक इस तरह से हैं समस्याएं जो मतलब उस पर कुछ होना चाहिए। जब प्रयास करेंगे तभी तो आएंगे। ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने बनाया है और उस पर हम ही चाहिए, मैं चाहता हूँ। हमारे भी चर्सी जी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। जैसे हमारा सामान बाहर जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी मान लीजिए हम कोई सामान दिल्ली भेजते हैं, 12 से 15 रुपए किलो माँ उसका जो कास्ट और बढ़ जाएगा। और प्रतापगढ़ बात करें तो यहाँ कोई पार्किंग सुविधाएं नहीं है, अगर गाड़ी को बाहर पार्क कर पीछे 4 घंटे मोबाइल पर चले जाएगा, प्रतापगढ़ कोई पार्किंग सुविधा नहीं। कितनी चोरियां हो रही है, गाड़ी तो छपे पर उनका दूसरा कहना ये भी था कि वो भी जो इम्प्रूवमेंट किए हुए हैं, अगर हम उनको देखेंगे लोन लेने लगते हैं।
करोड़ के सरकार करोड़ क्या भी करेंगे तुम्हारे कहीं विकास करें ढूंढ रहे हैं। पर इस पर हमारा सामूहिक चिंता तकलीफ कहाँ है कि हमारी प्रतिक्रिया हो गई। मेरे को चोट लगेगी तो मैं चिल्लाऊंगा पर आपको चोट लगेगी तो मैं नहीं चिल्लाऊंगा दिखता रहूंगा। ये जो तकलीफ हुई जब सबकी एक प्रॉब्लम है तब तो कम से कम सामूहिक होना चाहिए सामूहिक आवाज उठानी चाहिए। पर वो हमने कहा ना धीरे धीरे से इंडिविजुअल होते जा रहे हैं इसलिए वो समाज में उस सामूहिक परंपरा को हमें पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए। बस्तर होंगे हम अपने समाज एक एक समूह के लोग एक बार बैठना शुरू कर दें एक एसोसिएशन के मेंबर ही रेगुलर बैठ के बात करें किसी एक समाज के सदस्य एक साथ बात करें हम अपने अपने समाज के उन समूहों में बात करके एक साथ में बात तो करें। ये अभी भी नहीं लग रहा सत्य ये मैं बताऊँ आपके में से कोई भी तो बताए कि ये भी रास्ता ऐसा हो सकता है तो मैं निश्चित रूप से उस मुद्दे को उठाऊंगा। सार्वजनिक प्रॉब्लम अभी खाली पार्टियों की प्रॉब्लम नहीं है चालान की प्रॉब्लम नहीं है उससे बड़ी है राष्ट्रीय कार्यपालन उसका उसका भी कोई आज जिम्मेदारी उठी और ये दुकान पश्चिम कारखाने खुले हुए आप गाड़ी ले जाओ तो 5-10-12 मिनट का टाइम ले तो एक एक पुर्जे अलग होकर गए नंबर नंबर से तक पचास नंबर वो काम जिसमें टिल गए थे तो और कोई काम ही नहीं करते इतनी कार्य जो हुई हुई क्यों है रात में बहुत अपने बनो में कहाँ है उनके गए कुछ प्रॉब्लम तो हमें रिवाइज करना चाहिए और बिना किसी का इंतजार किए अपने मुद्दे पर हमें रास्ता निकालना चाहिए। ये मानते हुए कि सरकार आएगी आगे नहीं आएगी कुछ करने के लिए आश्वासन देगी आएगी नहीं क्योंकि हम अपना मुद्दा बड़ा करें हमें जिंदगी अपनी लिए नहीं है किसी दूसरे के लिए हम नहीं कर रहे हम अपनी जिंदगी को अपनी शायद सुख से जी लेंगे अपनी छोटी के बजे के लिए छोटा बनके भी जी लेंगे लेकिन सम्मान से जी लेंगे। धन्यवाद। मैं विनोद प्रताप सिंह आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूँ और इस पत्रिका समाज परिवार का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि शायद हमारी जानकारी में पहली बार यह विचार मंथन रखा गया है कि कभी कोई पत्रिका आई हो या कोई मीडिया से आया हो जो इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से आप बैठा यहाँ पर हम श्रोतागढ़ हैं जो इन समस्याओं से प्रतापगढ़ के निवासी हैं और दूसरी तरफ जो हमारे प्रमुख संपादक पत्रिका के हैं हमें चाहते थे कि जैसे आज ये बैठक रखी गई संगोष्ठी अगर इसी बीच में हमारे जिले के कुछ कुछ अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी या नेता भी होते तो शायद हमारी यह मीटिंग संगोष्ठी कहीं और ज्यादा सफल होती हम अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने का लेकिन यह शायद एक परोक्ष रूप से यह बैठक रखी गई आज शायद यहाँ की पहली शुरुआत है और ये आगे बहुत आगे बढ़ जाएगी जैसे बैठकें आज शुरुआत होंगी कैसे बैठकें होंगी। हमारे पास जो समस्याएं हैं रोटी कपड़ा मकान और रोजगार के अलावा भी थोड़ा जी बस 2 मिनट समय ठीक लेकिन 2 मिनट फिलहाल समस्याएं ऐसी है कि जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है हम अगर चाहते अनंत होते तो वहां पर आते और शायद 10 या 15 मिनट लेते लेकिन आपके पास समय नहीं देते नहीं बोलना चाहेंगे फिलहाल हमें बताएंगे 2 मिनट में हमें हाथ देता तो इस समस्या को बता सकते हैं और ना ही सुनो तो सजागर हो सकते हैं। आपने वो देखी बात डिस्कशन की जगह नहीं है आज हमारे पास जी कि हमारे हमारे पास कोई थॉट है जी उस थॉट को आप हमें दे दो बस तो उसके लिए उतना समय की जरूरत चलिए प्रमुख रूप से हम एक विषय उठा लेते हैं जैसे बात शिक्षा की आती है प्रतापगढ़ में शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई है और हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे पास समस्याएं जरूर है लेकिन उसका निराकरण भी है जिस तरीके से हम समस्या को बताने के लिए बैठे हैं अगर उसके निराकरण के लिए भी बैठेंगे तो हमारे निराकरण मिलेंगे और शिक्षा के बारे में बात करें
तो हम लोग इकट्ठा होकर के जैसे कि रोजगार की समस्या आती है, शिक्षा विभाग होती है, छोटे छोटे यूनिट कोचिंग संस्थान छोटे कॉलेज बनाए जाए और निःशुल्क दक्षता प्रदान की जाए उन लोगों को, उन बच्चों को जो कि हमें बेकार करते हैं, हम उन्हें कुछ किसी न किसी सेक्टर में योग्य बनाने के लिए कामदार बनाए और काम में लगाए। जैसे यहाँ की मुख्य रोग है आवा आदि रोग है, तो प्रतापगढ़ में आवा यहाँ का व्यवसाय सबसे पहले चीज है। तो इस पर हमें विचार करें कि 50,000 टन आवा पारित होता है, जब हम हर साल लगभग 10 से 20,000 टन वेस्ट हो जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ की किसानों की समस्या है, व्यापारियों की समस्या है। आपके दिमाग में जो एक स्पेसिफिक बात है, बस एक ही बताया जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर टेक्निकल शिक्षा की बात करें, शिक्षा रोजगार रोजगार पर हो रहा है, तो सारी हम समस्याओं से निराकरण हम उसमें से डिस्कस के काम के बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। आप 15 बार बोल भी लेंगे, 15 बार बोलेंगे तो हम हर चीज को सोच भी लेंगे और आपके साथ संवाद भी कर पाएंगे। ये अर्थ में और भी अर्थ नहीं, ये मंच पर सब आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। बोले मैं संदेश समझ में आ जाए उसी भाषा में बोलेंगे तो मेरे काम आएंगे। मैं अशोक कुमार हूँ, सदर विधायक प्रतिनिधि, और मैं ये कहूँगा कि यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा का अभाव है। सपोज करिए कि इंडिविजुअल हर आदमी यहाँ सोचता है, अगर मैं किसी को लाइट देना चाहता हूँ या कुछ भी खंभे बनवा रहा हूँ तो वो अपनी जमीन में गाड़ी नहीं देना चाहता, उसको लाइट चाहिए, मतलब और गड़ेगा तो लाइट जाएगी, सारी चीज बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के अपना फायदा तो चाहता है लेकिन अपना लॉस कहीं से नहीं चाहता, लॉस उस लॉस में है। तो इसलिए मैं कहूँगा यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का सोच तो लगे तो सही है। पशुओं को कत्लखाने भेजना पड़ता है, आज की स्थिति ये है।
क्योंकि उन्होंने गायें जो है ना वो होल्स्टीन और जर्सी ये पाल रखी है, उनके बच्चे काम नहीं आ सकते, खेती के भी काम नहीं आ सकते, आप उसको वहाँ तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उनको अब इस जमाने में ऐसे आदमी भी जो काम नहीं है उनको भी कोई नहीं देखता है, तो ज्यादा लोगों को उनको कोई पाल तक दो दिन भी कास्ट खिलाने को तैयार नहीं होते। आप बिड़ला जी को सलाह देते जाते हैं, इधर बच्चा पैदा हुआ और बसेरा उसके माँ के नाम की पट्टी बांध के ले गए, ये बहुत छोटी समस्या नहीं है और सरकार के द्वारा उसका इलाज भी नहीं है। उन्होंने तो ये ना कानून बना के इलाज तो बात नहीं तो प्रशासन दिखा रहा है। बांदा की घटना आपने देखा होगी कि 1000 से ज्यादा गायों को जिंदा दफन कर दिया गया, ये प्रशासन की व्यवस्था। नहीं, अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें और ये सोचें कि हम गाय के बछड़ों पे खेती करें तो इट्स नॉट पॉसिबल। सरकार को तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रॉड माइंड ब्रॉड प्रोस्पेक्टस रखना पड़ेगा। केवल वोट की राजनीति के लिए हम गौशाला बना दें और 0.5% लगा दें, उससे काम नहीं है। ये जो समस्या है अभी पूरे उत्तर प्रदेश की हो गई, पूरे उत्तर प्रदेश और सब खेतों सब यही नहीं बर्बाद हो रही है। इससे ज्यादा जब राजस्थान में नील गाय आ गई केवल छोटे छोटे इलाकाई थे बिना लाइसेंस के, उन्हीं पे प्रतिबंध लगाया गया है, इसीलिए हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध की स्थिति है वो दूसरे प्रदेशों से ज्यादा खराब नहीं है, और इसमें अपराधी जितने ज्यादातर अपराधी दबंग भी है, बेल्ट भी है, सामर्थ्यवान भी है, ये स्थिति दूसरे प्रदेशों में नहीं मिलेगी आपको। इसलिए खेल के बहुत सारे समीकरण प्रतापगढ़ में अपराध का सबसे बड़ा कारण है कि एकमात्र भारत सरकार की ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड जो ट्रैक्टर बनाते थे, बाद में उसने ऑटो लैंड इंजन का उत्पादन शुरू किया तो विदेशों में सेना की मोटर बोट पे लगता था, वो फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई और उसमें मशीनरी जो है वो जिसने खरीदा सिपाही मोटर्स में उसमें चलाने के हमें जीना है, हम उनको भोला भरा भला भरा कहते नहीं जी सकते, हमें अपने ये भी तरीका है कि हम सामूहिक रूप से इन बच्चों और नई ढंग से एक जगह से चारे की भी व्यवस्था करेंगे तो हमको इतना खाद मिल जाएगा, हम उसको कॉमर्शियल प्रोडक्ट की तरह का सोचेंगे, वहाँ इन्वेस्ट करके देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम नुकसान में रहेंगे, नहीं रहेंगे, पर हमें अपनी मानसिकता को वहाँ बदलना पड़ेगी। प्रतापगढ़ की पहचान है आंवला, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आप हमारे प्रतापगढ़ में आए और मैं अपने सभी पत्रकार बंधु आगंतुकों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यूपी में महिलाओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, महिलाओं को बलात्कार हो रहे हैं, अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, सरकार को इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए।
अभी हाथरस की घटना देख लीजिए, अभी हमारे प्रताप में सागीपुर में देख लीजिए, 3 दिन से उसकी लाश चल रही थी। ये हमारे सरकार को ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। महिलाएं हमारी यूपी में बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। और थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत मुबारकबाद, हम सभी जगह बैठे हुए हैं। और रही बात मुद्दे की, तो मेरा नाम डॉक्टर समीम खान है। जाहिर सी बात है, मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो लोगों का इलाज और साथ साथ वो उनके भाव जैसे उनका इलाज नहीं हो सकता, तो हम सरकार से चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधा दें गरीब लोगों को, जो गरीब के जैसे इसमें बहुत सारी मतलब संस्था भी काम कर रही है मदद करने के लिए। फिर भी मैं सरकार से चाहूँगा कि जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, तो यहाँ पर अच्छी सुविधा मिले कि जिससे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिले स्वास्थ्य में। दूसरी चीज़, मैं हेल्पलाइन भोजन फाउंडेशन चलाता हूँ, तो लोगों को जैसे कि कोविड टाइम में बहुत मतलब फेस करना पड़ा जैसे भोजन वगैरह के लिए, तो उन गरीब लोगों तक भोजन राशन ये सब चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करें कि इनको ये दिक्कत ना झेलनी पड़े। तीसरी चीज़ सर, सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं आपने बात की नैतिक, जो हम अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं, तो नैतिक शिक्षा हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रिस्पेक्टफुली कैसे किससे मिलते हैं कैसे नहीं मिलते हैं। जब अगर हमारे अंदर नैतिक है शिक्षा है, तो इस बात को हम से दूर रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं अजय क्रांतिकारी पर्यावरण सेना से आपका प्रतापगढ़ में ग्रीन वेलकम, और जितना कुछ लोगों ने जाना उसमें ये बिल्कुल निश्चित हो गया है कि आपका ये जो हमारा संवाद है इसमें तो जिम्मेदारी लेने की बात है सामाजिक समुदायों से। तो मैं पर्यावरण सेना के नाते में दो तरह की बात करूँगा, एक तो हम क्या कर सकते हैं और दूसरा आपका सहयोग हमें कहाँ चाहिए। पहली चीज तो ये है कि जब आपने सामाजिक मूल्यों की बात कही है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और बुजुर्ग हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और अगर उनका सम्मान नहीं होता तो हमारा सामाजिक पर्यावरण बिगड़ रहा है। पर्यावरण सेना कुछ प्रयास कर रही है, हम लोग बुजुर्गों के सम्मान के लिए उनको पर्यावरण उनसे लोग सीखते हैं, और बुजुर्गों के सम्मान के लिए हम उनका ग्रीन बर्थडे मनाना, पर्यावरण सेना बुजुर्गों का हरित जन्मदिन मनाती है। हम लोग उनका लिस्ट बनाते हैं गाँव में जाकर के, हमारे वॉलेंटियर्स उनके साथ जाकर बैठते हैं, उनको गिफ्ट करते हैं, पौधा भी करते हैं और लगाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बाबा आपके जमाने का इन्वायरमेंट कैसा था और हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। एक बात ये, दूसरा हरित संवाद होना चाहिए। तो बच्चे आते हैं मिलते हैं बैठते हैं, उनको लगता है ये बाहर का आदमी का सम्मान कर रहा है हमारे माँ बाप का, हमें करना चाहिए, इस तरह हम लोग सामाजिक माहौल बना रहे हैं। दूसरी चीज, आपने कहा कि अगर बच्चा अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगाए तो वो याद करेगा, हम लोग उसके लिए भी बच्चों के साथ भी ग्रीन बर्थडे कार्यक्रम चला रहे हैं, हरित जन्मदिन का कार्यक्रम, हम लोग उनके साथ बैठते हैं बात करते हैं, और ये हम लोग उनको पौधे देते हैं, पौधे लगाते हैं और अपने बच्चों के साथ शेयर, अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं, इससे उनके साथ एक माहौल बन रहा है। और तीसरी चीज, हमारा एक अभियान चल रहा है एनवायरमेंटल अकाउंट स्कीम, पर्यावरण खाता योजना, हम स्कूल कॉलेजेस को लेते हैं, उसमें बच्चों के साथ संवाद करते हैं, उनको पेड़ों के महत्व के बारे में बता रहे हैं और उनको पौधे देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि एक एक पौधा हर बच्चा लगाएगा, स्कूल में लगाए या अपने घर में लगाए, उसका उनके टीचर द्वारा मॉनिटरिंग होती है और धीरे धीरे वो बच्चा उस पेड़ के साथ जुड़ता है, पूरे साल जुड़ा रहता है। और लास्ट में सेशन के एंड में हम लोग उस तरह के परीक्षण करते हैं कि बच्चे ने जो पौधा लगाया उसकी देखभाल कितना किया, उसके साथ कैसा उसका व्यवहार बदला है, ऐसे बच्चों को हम लोग इन्वायरमेंटल अवार्ड देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। ये हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ चीजें और हमें आपके सामने सर, एक आती है जल पर प्रतापगढ़ में सही नदी है सर, प्रदूषित है सर, आपसे निवेदन है कि जो सीवेज जा रहे हैं, जो नाले जा रहे हैं, उसको बंद कराया है, हम लोगों ने आंदोलन भी किया है और आगे हम आपके साथ ऐसी मुहिम में आपके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। आपने सुना इसलिए आपको ग्रेट थैंक्स, धन्यवाद। बच्चे को एक चीज तो हमें सुनानी चाहिए कि जो गुठली है वही आम है, इसको और ये कि माँ बाप को भी सुनाया जाता है, पिता ही पुत्र बनता है, तो ये दोनों अलग नहीं है। मेरा जो पुत्र का धर्म है मैं ध्यान रखता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ।
इस पर्यावरण की बुनियादी है। दूसरा ये मेरा सुझाव ये है, बच्चों के बताइए कि आप पेड़ करिए, आप एक वृक्ष को गोद लें, आपके मकान के अंदर चार पेड़ हैं, आप किसी एक पेड़ पर गोद लो और एक पेड़ के रूप में एक बात करो, आप देखो सारे धर्म में वो पेड़ थे, आपको कैसे रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्मल पांडे, रक्तदान संस्थान एक मैं NGO बनाया हूँ और जिसके माध्यम से लगभग पूरे प्रदेश में यूपी के लगभग 70 जिलों में जहाँ भी ब्लड बैंक की स्थापना हुई है वहाँ पर हमारी टीम काम करती है और साथ ही साथ 17 राज्यों में हमारी टीम काम कर रही है। पिछले 15 मार्च 2020 से हमने संस्थान की शुरुआत किया था और जिसका लिस्ट मेरे पास है, जो ब्लड हमने लोगों को प्रोवाइड करवाया है वो लगभग कल तक हमने 5,653 यूनिट ब्लड जो है लोगों को जरूरतमंदों को कल शाम तक मैंने प्रोवाइड करवाया था, मतलब कल 12 तारीख। सर बिल्कुल मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है सर कि आज जो हमारे समाज के लोग हैं जिनके घर के मरीज जो भर्ती होते हैं, जो हम रोज देख रहे हैं, वो अपने परिजनों के लिए ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, उससे भागते हैं, उनको लगता है कि मैं ब्लड डोनेट कर दूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा या ऐसी थिंकिंग उनके अंदर आती है। इसके लिए हमारी पूरी टीम द्वारा अभी कॉलेजों में ज्यादातर डिग्री कॉलेजों में कैंप करते हैं, वहां पर जागरूकता एक मिशन चला करके बच्चों को जागरूक करते हैं। सबसे ज्यादा ब्लड हमें यूथ से मिलता है जो कि हमें डिग्री कॉलेज से मिलता है। ये तो और दूसरी चीज मैं आपके इस पत्रिका के माध्यम से अपने जनपद वासियों से ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहूंगा कि अभी खास करके जो यूथ है हमारे वो हमारे इस मुहिम के साथ जुड़े और अपने नजदीकी के जो भी ब्लड बैंक है वहां पर जाकर के स्वैच्छिक रक्तदान करें, जिससे कि हमारे जो मेजर थैलेसीमिया मेजर के पीड़ित हैं, बच्चे हैं जो प्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित मरीज हैं या जो कैंसर पीड़ित लोग हैं या जो डायलिसिस चल रहे लोग हैं उनको जीवन दान दिया जाए। अच्छा और दूसरी चीज है रक्तदान का जो अभियान है देश भर में अलग अलग चल रहा है और हम सब लोग शामिल किसानों की बात करना चाहता हूँ। आज
किसानों को प्रशिक्षित करने खेती में कीटनाशक पेस्टिसाइड का बढ़ता हुआ उपयोग, वो आज जो सब्जियां हमारे देखने में हरी भरी हैं कुछ आज बिल्कुल भरी हुई है। हम चाहते हैं अगर हमारे किसानों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए, पेस्टिसाइड के प्रयोग के बारे में उनको बताया जाए, उसकी हानियाँ अगर वो ज़्यादा प्रयोग करेंगे उसकी ताकि हमारा नाम स्वस्थ रह सके, मेरी स्वास्थ्य भी सबसे बढ़ता है। इसमें सबसे बड़ी जो तकलीफ आ रही है वो सरकारी एजेंसियाँ भी आ रही है, कोई नहीं आ रहा। और ये जो हमारे बहुत माफी ज़्यादा इसी बारे में इतना आपको करना चाहता हूँ कि खेती भूगोल पर निर्भर करती है, जलवायु पर निर्भर करती है। अब आप राजस्थान की जलवायु, तमिलनाडु की जलवायु, आसाम की जलवायु में अंतर नहीं कर रहे, कानून लागू एक जगह बना दे पूरे देश में एक ही कानून लागू हो रहा है, एक खेती का नियम बनाया वही सब करता है, एक ही पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का जो फॉर्मूला पूरे देश में एक ही जगह लागू कर रहे हैं, बीजों को आप ऐसे लागू कर रहे हैं, इनको समझना पड़ेगा। और को अगर आप कर सकते हैं
सीधी सी मुकाबला डी मेरा ये कहना है कि जो बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा करते हैं और जो खेल लेते हैं समय से सर्विस या वो मिल जाए इससे खेल और आगे बढ़ जाए क्योंकि हम लोग आपका ये सुन रहे हैं खेले और दुनिया तो बड़े हो हमारे पास कई प्लेयर्स बच्चे सुबह शाम इवनिंग और मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं और कई कई उसमें से 90% बच्चे जो है वो गरीब हैं। एक ही तरीका यह हो सकता है कि आपके यहाँ सरकारी योजना इनसे नहीं वो आपके खिलाड़ी को स्पॉन्सर करते हैं मेरा ये है वैसे मानते जा रहे बात करते हैं 5,000 2,000 रुपये जब बात करेंगे लेकिन खिलाड़ी है तो उनको ये लोग स्पॉन्सर करें और ये खेले जाएंगे तो उन संस्थाओं के भी आपके खेले उनके प्रतिनिधि बन के खेले जाएंगे तो शायद वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं उसमें ये है कि आपकी और मैं बहुत नमन करती हूँ कि कोई संपादक
कि जितनी अच्छी पत्रिका का आपसे आने से बात कर रहा है और आपकी समस्याओं को सुन रहा है। लेकिन समस्याएं तो हर शहर में होती हर नगर में, छोटे शहर की अपनी समस्याएं हैं, बड़े शहर की अपनी समस्याएं। मैं स्थानीय स्तर पर केवल दोनों बात करूंगी। प्रतापगढ़ की जो पहली मुख्य समस्या है ट्रैफिक, ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट, वो हम लोग ऐसा झेल रहे हैं। मैं खुद बड़े शहर से आई हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा 41 सालों से देख रही हूँ और कोई भी सुधार के लक्षण नहीं दिखते हैं। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मैं खुद सिविल लाइन्स में रहती हूँ, वहाँ इतने बड़े बड़े बैठे हैं। बड़ी उम्मीद थी कि नगर पालिका और अब बारिश के बाद उन गड्ढों को भरवा देगी, मगर बहुत ही परेशानी है जाने आने में। और जो अगर बीमार या वृद्ध है तो उसको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। यहाँ पे फ्लाई ओवर बनने में दशकों लग जाते हैं, लेना बहुत है, बहुत ही ज्यादा है, और लेकिन राजनीति बहुत होती है। एक फ्लाई ओवर और बनना है, वो भी मुझे लगता है कि अब हम लोगों का जाने का समय हो जाएगा, तब बनेगा, क्योंकि ये 20 साल की योजना में आया है। और दूसरी बात है, यहाँ पे यातायात में शिष्टाचार की कमी है, इसके लिए जैसे कि एक मीटिंग बुलाई गई है, बैठक बुलाई है, इस तरह से तमाम मीटिंग बुला के बैठक बुला के यातायात में जो शिष्टाचार होना चाहिए, थोड़े धैर्य की कमी है, लगातार हॉर्न बजाते रहना अगर ग्रामीण से है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमको देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पार्किंग की कोई सोच ही नहीं है। पार्किंग है क्या चीज, कोई जानता ही नहीं, ना तो नगर पालिका, ना तो सरकारी क्षेत्र में, और ना ही यहाँ के नागरिक जो है अपनी गाड़ियाँ जब खड़ी करती हैं तो किस समय खड़ी कर देते हैं। कई बार मेरे बेटे को उतर उतर की गाड़ियों को किनारे करना पड़ता है, वो एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह काम करता है जब वो निकलता है। दूसरा मुद्दा सभी ने छुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ आर्थिक प्रगति नहीं है, यहाँ प्रतिभा पलायन हो रहा है। मेरा खुद का बेटा लौट करके आया इस शहर में और रोज फ्रस्ट्रेटेड होता है, लेकिन इसी शहर में रह रहा है, माता पिता का बनता है, इसलिए लौट आया इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ के। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, एक इंडस्ट्री होगी, किसी भाई साहब ने जिक्र किया था एटीएल, वो यहाँ के नागरिकों ने एक रोजगार और थोड़ी खुशियाँ थोड़ी रौनक ले लिया है कि आर्थिक सुविधा वो भी बंद हो गई है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप इतनी बड़ी पत्रिका के संपादक हैं, आप प्रतापगढ़ के जनमानस की ये बात पहुँचाएं, क्योंकि यहाँ 5,000, 10,000, 20,000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की नौकरी कोई दे नहीं सकता, ऐसा कोई नहीं है। हमारे बहुत लोग पढ़ता है कि इससे हम दे नहीं सकते, हमारी उतनी क्षमता नहीं है, तो ऐसे यहाँ पे इंडस्ट्री हो कि यहाँ प्रतिभा का है रोका जा सके। थैंक यू। मैं दो उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। कानपुर उद्योग है, स्टूडेंट जो
हैरान था आपको मैं मन नहीं करना चाहता। मैंने सोचा था ड्राइवर नहीं करूँगा तो देश की प्राइम मिनिस्टर सही है करके
युवाओं के सामने प्रेजेंट करते हैं तो उनका एक इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैं दिन में भी आपके कुछ ऑफिसर्स से बात कर रही थी, आपके रिप्रेजेंटेटिव से, और मुझे लगता है कि आपका जो कलात्मक दृष्टिकोण है कलाओं के प्रति और संस्कृति के प्रति, वो इसमें सहयोग करेगा मुझे। सेकेंडली जो मैं कहना चाहती हूँ, कई प्लान्स हैं, कई योजनाएं हैं जो मैं एट लेंथ बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जो मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ, शायद आप उस बात को समझेंगे कि युवाओं में और छोटे बच्चों में आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उस दिशा में मैंने काफी काम किया है। मैंने 16 साल यहाँ पर अपना एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर चलाया है वे बैक इन 90s, और वर्कशॉप कल्चर प्रतापगढ़ में कार्यशालाओं को मैंने 99 में इंट्रोड्यूस किया था, विभिन्न कलाओं के लिए वर्कशॉप्स एंड लेक्चर डेमोंस्ट्रेशंस। और अभी भी हम एक युवा मंच चला रहे हैं जिसमें 500 से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जी ओके, तो युवाओं का स्वर आपके पेपर में मुखरित होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उनकी बात, उनके फ्रस्ट्रेशन, और कोई ऐसा अगर आप उनको मदद कर सके थेरेपी के साथ या काउंसलर्स के साथ जो हम लोग कर ही रहे हैं, तो वो अगर आपके माध्यम से भी होता है तो बच्चों और युवाओं को लेकर कला संस्कृति को लेकर मेरे होते हैं जो मैंने तो बाद में कभी डिस्कस किया। मोस्ट वेलकम टू द टाउन ऑफ राजस्थान के जो फोक लोग हैं उनको की सूचनाओं के आज हम लोग ये बात करते हैं, अर्थात इनका भी को पद्म श्री मिलता है। जी मुझे पता है, इसीलिए आपसे ये अपील है कि आपके पूरा परिवार हमारा अनुमान के जरिए के उसका हिस्सा बन गया है। जी का जी वन टू वन तो यही करते नहीं आ पाए समझ कर नहीं, इसीलिए आपके सामने रख रही हूँ कि आप कल्चर और लोकल आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप सबने अपना